शिवसेना को ये एक्सपेक्टेड था। चंद्रा बाबू जब दिल्ली में आते थे और उनके मंत्री से हमारी बातचीत होती तो ये उनके बोलने से या उनके पूरे काम से अंदाजा लगता था कि एनडीए में ये लोग नहीं रहेंगे अभी। जैसे हम भी कहते कि हम 2019 का चुनाव अलग लड़ेंगे और हम भी उस निर्णय तक आप पहुँचे हैं, लेकिन चंद्रा बाबू और तेलुगु देशम पार्टी ने भी एनडीए से अपना नाता तोड़ा है। और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे माझी, उसने भी एनडीए से अपना नाता तोड़ा है। एनडीए के जो पूरे हमारे अलाइज है उनका जो नाता है बीजेपी से वो इतना मधुर नहीं रहा है, ये सच बात है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी उनके साथ शिवसेना रही है। तो हमेशा हमने हमारी नाराजगी तो नहीं है लेकिन हमने हमारी बात खुलकर सामने रखी है, महाराष्ट्र हो या एनडीए नेशनल लेवल पे हो। चंद्रा बाबू भी एक महत्वपूर्ण अलाइज रहा 2014 में। मैं और भी कुछ एनडीए के अलाइज की बात सुन रहा हूँ, हमसे भी बात हो रही है उनकी, तो लगता है धीरे धीरे ये नाराज़गी सबकी बाहर आएगी और प्रैक्टिकली सब लोग एनडीए से बाहर आ जाएंगे। सर,